आलू वाली पैटी तो सब खाते ही हैं। आज मैं आपको एक ऐसी तरह की पैटी दिखाने वाला हूँ जो ना तो आपने कभी खाई होगी ना कभी सुनी होगी। तो देखने के लिए पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चलिए देखते हैं। तो यार फाइनली बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद, उज्जैन की फूड टूरीज कवर करने के बाद हम लोग जा पहुंचे हैं इंदौर। इंदौर में जा पहुंचे हैं छप्पन मार्केट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा लिखा है छप्पन मार्केट। मैं आपको बता दूँ ये बहुत बढ़िया मार्केट है यहाँ पे इंदौर में, छप्पन मार्केट। फूडीज के लिए जो भी फूड लवर हैं वो बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से यहाँ पे फूड वीडियो बना सकते हैं। बहुत फेमस बाजार है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि मेरे पीछे जो लाइन से शॉप्स लग रही हैं, पूरी लाइन से शॉप्स लग रही हैं। मैं आपको बता दूँ ये पूरा एक छप्पन मार्केट है, यहाँ पर लाइन से छप्पन दुकान लगी हुई हैं। ये छप्पन की छप्पन दुकान बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इनकी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पैटीज मिलती हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हॉट डॉग्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शिकंजी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सब बताएंगे क्या चीज़ बढ़िया बढ़िया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फूड हमारे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने इंदौर फूड सीरीज़ में। जी हाँ, इंदौर फूड सीरीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो यार उससे पहले ना वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी इंदौर सीरीज़ हम वीडियोज़ कवर करेंगे। चैनल पर नए हो तो फूडी मूडी एंटरप्रेन्योर ऑफिशियल को इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन सी जगह है। आइए मेरे साथ चलिए। और वहाँ हम आए विजय चाट हाउस। भैया क्या बना रहे हो यहाँ पे? यही है कोबरा पैटीज। कोबरा पैटीज तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोबरा पैटीज जो है बननी शुरू हो चुकी है। देखिए ये जो पैटीज होती है ये एक तरीके बॉल टाइप की होती है और उसमें स्टफिंग होती है अंदर बहुत सारी स्पाइसेस की, पोटैटोज की। मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि जो इनकी एक्चुअली में पैटीज होती है ये है कैसी। तो आप लोग देख सकते हो कि भैया स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ये कोबरा पैटीज बनने की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो आप लोग देख सकते हो यार कोबरा पैटीज बनने की स्टार्टिंग। अच्छा ये क्या चीज़ है भैया, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। अंदर जो मसाला है कोबरे का है। अच्छा, इसमें जैसे काजू किशमिश ड्राई फ्रूट ऐड करा जाता है। अच्छा, तो यार जो है ये प्योर आलू है। प्योर आलू है। हाँ, ये चीज़ आपकी बड़ी यूनिक लगी मुझे क्योंकि आप देख सकते हो यार ये पोटैटोज हैं, पोटैटोज में अंदर फिलिंग हुई हुई अच्छी तरीके से और उसको ब्लेंड किया हुआ है, अच्छी तरीके से मिक्स किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इनको फ्राई करा जाता है कोबरा पैटीज को, तो जिससे आपको खाने में बहुत ज़्यादा बड़े लगेंगी कोबरा पैटीज। और आप लोग देख सकते हो कि कोबरा पैटीज जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती है। देख लेंगे जब कोबरा पैटीज फ्राई हो जाती है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको यहाँ पे इंदौर में वेज चाट हाउस की। जब ये पैक हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सर्व करने के लिए चटनी दी गई है इन्होंने यहाँ पे। इनकी आई थिंक इनकी ये सॉल्ट चटनी है, ये इनकी ग्रीन चटनी है जिससे ये लोग सर्व करते हैं अपनी कोबरा पैटीज की। तो इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे और आपको तक पहुँचाते हैं कि ये कैसा है। पूरे दिल्ली वाले, पूरी इंडिया की लोग फूडीज आपके लिए है ये, आपको बताएंगे कैसा। तो भैया कितनी देर में, कितनी देर तक पकती है ये? विद इन 3 to 4 minutes हो जाता है। 3 to 4 minutes। तो यार मैं आपको बता दूँ 3 to 4 minutes तक ये इनकी जो पैटीज है अच्छी तरीके से सिकती है हाई फ्लेम पे, जिससे कि जो टेक्चर है बहुत बढ़िया है और आपको खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। तो भैया पैकिंग चल रही उधर ये या फिर सर्व कर रहा भैया? आगे से सर्व होगा। अच्छा सर्व होगा, ठीक है भैया। जैसे तो कि इनकी यहाँ पे कुछ पैटीज रखी हुई है, मैं आपको बता दूँ कि आपकी रिकमेंडेशन में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हो कि भैया है बहुत बढ़िया कोबरा पैटीज इनकी फेमस है विजय चाट हाउस में। अब मैं इसकी आपको मेकिंग दिखाता हूँ कि एक्चुअली में मेकिंग होती कैसे कोबरा पैटीज की। भैया क्या चीज़ आपने, ये क्या चीज़ लिया? कोकोनट कोबरा पैटीज आपकी है। तो आप लोग देखते हो कोबरा पैटीज की मेकिंग दिखाएंगे कि कैसी। चलिए भैया स्टार्ट करिए आप। तो आप देखते हो कोबरा पैटीज लिए उन्होंने, सबसे पहले आप ये क्या डाल रहे हो भैया? ये मीठी चटनी है। तो आप देखते हो पहले मीठी चटनी डाल रहे हैं कोबरा पैटीज के ऊपर, उसके बाद भैया क्या डाल रहे हो उसमें? हरी चटनी डाल रहे हैं लहसुन वाली। और आप लोग देखते हो कि ये इनकी ये क्या चीज़ है भैया आपकी यहाँ पे? ये दही है। अच्छा दही है, दही सर्व करते हो साथ? नहीं नहीं दही इसके साथ में नहीं। अच्छा दही साथ आप नहीं करते हैं? तो ठीक है भैया, इसकी प्राइस बता दीजिए, प्राइस क्या होगी इसकी? 20 रुपीज़। तो आप देखते हो मात्र 20 रुपीज़ की इनकी कोबरा पैटीज है और ये कुछ इस तरीके की बॉल्स में आती है। और इसकी टेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ जो विजय चाट हाउस में ये जो इनकी कोबरा पैटीज है फाइनली ये है क्या और आप तक को कैसे अच्छी लगेगी। तो और आप लोग देख सकते हो ये इनकी पैटीज है कोबरा पैटीज। हमने विजय चाट हाउस के उनसे बात करी थी, उनसे पूछा था कि भैया क्या राज डाल दें, तो उन्होंने हमको ये बताया कि जो विजय चाट हाउस की कोपरा पैटीज है बहुत साल से पुरानी शॉप है, बहुत ज़्यादा बिकती है और बहुत पुराना काम है। तो अब चलिए हम भी टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि असली में चीज़ में भी दम है। अब और लोगों से पूछते हैं, ये मेरा अंकल खड़े हैं, उन्होंने अभी अभी इनकी विजय चाट हाउस का सामान खाया है, वहाँ पे कोबरा पैटीज खाई है, इनसे पूछते हैं कि कैसी है कोबरा पैटीज, क्या जायका है विजय चाट हाउस का, क्या जायका है और क्यों आते हैं यहाँ पे, पूछते हैं अंकल से। अंकल नाम बताइए। मेरा नाम सुनील मिश्रा। अच्छा। ये सबसे बहुत पुरानी दुकान है की। अच्छा अच्छा, इसमें प्योरिटी बहुत है। अच्छा, तो आपका फेमस क्या है यहाँ का? इनका सभी चीज फेमस है, सभी चीज फेमस है, एवरीथिंग। वो जो सफेद कपड़ों वाले खड़े हैं ना, वो उनका पीढ़ियों से काम है, पीढ़ियों से काम है। तो ये बताइए आपका सबसे ज्यादा फेमस क्या पर्टिकुलर एक चीज है, सारी चीज फेमस? कचौरी। कचौरी कौन सी कचौरी? ये मसालेदार आलू वाली। तो आप क्या कहना चाहते हो बाहर के लोग क्यों ट्राई करने से यहाँ पे?
आप इंदौर के रहने वाले हो, इंदौर के नागरिक हो, इतने साल से ही हो, बाहर के बाहर वासी बाहर के नागरिक आके यहाँ पे शुद्धता के लिए ट्राई करें, सफाई के लिए ट्राई करें, बाकी गंदी वाला बहुत रहता है, हर जगह वहाँ नहीं करें, यहाँ नहीं है, यहाँ सही है। तो देख सकते हो टाइम आ रहे हैं, जरूर ट्राई करो। देखो फाइनली विजय जाट हाउस की मैंने यहाँ कोबरा पैटीज ले ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोबरा पैटीज इनकी है क्या, खाने में कैसी है। देखिए सबसे पहले कोबरा पैटीज में इसको पहले तोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं है कैसी। मैं आपको बता दूँ यार, ये जो कोबरा पैटीज है इनकी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, एकदम बहुत अच्छी तरीके करारी सीख चुकी है। अब आप देखिए यार अंदर से कैसी है ये। तो यार आप लोग देखते हो ये जो कोबरा पैटीज है इसमें ना पूरा आलू की फिलिंग दी गई है, एक आलू है, आलू के अंदर इनके बहुत सारे इनके स्पाइसेस पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनके, इसमें गोला पड़ा हुआ है, इनके मसाले पड़े हुए हैं, जो एक आलू की फिलिंग के अंदर इनकी बहुत सारी चीज़ें स्पाइसेस पड़ी हुई हैं, गोला पड़ा हुआ है और सौंफ पड़ी हुई है, बहुत सारी तरह तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं कोबरा पैटीज के अंदर, आलू के अंदर। और उसके ऊपर ये फिर फ्राई कर देते हैं उसको, जब इनकी अपनी जो इनकी कढ़ाई होती है, कढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं अपनी कोबरा पैटीज को, और ये अपनी चटनी का सर्व करते हैं। तो इनके ये बहुत अच्छी तरीके से गोला है, और ये इसकी प्राइस है मात्र 20 रुपीज़ की है कोबरा पैटीज की। इसकी टेस्टिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये जो कोबरा पैटीज फाइनली इतना जो नाम है ये क्या है कोबरा पैटीज, और आपको कैसी अच्छी लगेगी कोबरा पैटीज अगर आप कहीं भी बाहर से आते हो तो आपको कैसी लगेगी। तो चलिए टेस्ट करते हैं कोबरा पैटीज को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करके बताऊँगी है क्या कोबरा पैटीज। बहुत अच्छी है, जो इसमें आलू का फ्लेवर है आलू अच्छे से सिक चुका है, जिन्होंने आलू के अंदर मसाले डाले ना, सौंफ डाली है, स्पाइसेस डाले हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, उससे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। और जो इनकी चटनी है दो दही की और इनकी सॉल्ट, बहुत ज़्यादा बढ़िया ओवरऑल कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया पैकेज है, मस्ट ट्राई पैकेज है ये, नाम भी है चीज़ भी है, जरूर ट्राई करिए कोबरा पैटीज इनकी वेज चाट हाउस की।